तब कहेंगे क्यों ऐसा, ये धनवान क्यों, ये निरोगी काया कैसे मिली, तन आपका नहीं, भगवान की सेवा में लगाओ। हाँ, संसार छोड़ के नहीं, 8 घंटा संसार की सेवा करो, बच्चों की, पति की, घर की, सास बहू, बिजनेस करो, 8-10 घंटा नौकरी करो, बिजनेस करो, कुछ छोड़ना नहीं, 1 घंटा, आधा घंटा शिव बाबा की यज्ञ की सेवा करो, ये सारे कल्प फल देने वाला है। ऐसे अपने अपने, कोई गरीब, कोई जन्म बीमार, सदा क्यों बीमार, तन भगवान की सेवा में नहीं लगाया। धन गरीब क्यों, धन भगवान की सेवा में नहीं लगाया। मन, मन के लिए बताया, मन के पहले सुना, किसी को देखते ही औरों के प्रति शुभ सोचो, मुरली का चिंतन करो, मुरली के पॉइंट औरों को सुनाओ, तो मन निर्मल होगा, अपने आप मन निर्मल नहीं होगा, ना भगवान आके करेगा, नहीं साफ नहीं करेगा, विधि बताता है। समझ में आया, तन मन धन, ये तीनों वर्षा ऊपर से धन नहीं बेचता है, दवाई नहीं देता है, कुछ नहीं देता है। शिव बाबा के पास दवाई है, बाबा बीमारी मिटा दो, दवाई दे दो, ऊपर से दवाई भेजेगा, धन रखेगा, धन भेजेगा, सोना भेजेगा नहीं। ये याद रखना, बीच बोलना, संगम पर इसको कहा, समय की वैल्यू जानना है। अगर बरसात के बाद बीज बोएंगे, कुछ उगेगा, चिड़िया खा के जाएंगे, सूख जाएगा, विधि पर। तब बाबा ने कहा, अभी वो भी बताता आपको, देखो बाबा भी सभी का लेता नहीं, अगर आप कहें बाबा मेरा ये ले लो, नहीं लेगा, आप किधर लूट करके किसी को दुख दे करके, चोरी करके बाबा को दे दो, बाबा लेगा, किसी का चोर खा के गया, कोई किसी का राजा खा के गया, किसी का मट्टी में मिल गया, है ना, किसी का ही भगवान सफल करता है।